कौन है रवि किशन की वो कथित बेटी जिसने भोजपुरी स्टार को बता दिया है अपना पिता। दोस्तों बीते रोज अपर्णा ठाकुर नाम की एक महिला ने खुद को सांसद रवि किशन की पत्नी बताया है। महिला की मांग है कि उसकी और एक्टर की एक बेटी भी है जिसको वो लीगली अपना है। बेटी का नाम शिनोवा बताया जा रहा है। बीते रोज शिनोवा ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बताया था कि मैं उन्हें चाचा बुलाती थी, वो मेरे घर पर भी आते थे और मैं उनकी फैमिली से भी मिली हूँ। मैंने उन्हें जब बोला कि पिता की तरह मैं आपके साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, मम्मी ने भी कई बार बोला कि एक्सेप्ट कर लो अपनी बेटी को, वो मुझसे बात भी नहीं करते। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ और कैसी हूँ। दो दो साल गायब रहते हैं, अभी तो वो चार साल से मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं है। शिनोवा ने रवि किशन के वादों को झूठा बताते हुए कहा, मैंने तो उनसे कभी बॉलीवुड हेल्प मांगी ही नहीं, बल्कि उन्होंने ही मुझे ऑफर किया। उन्होंने बहुत कुछ कहा है मुझे, जैसे कि मैं तुम्हारा तो यही फ्यूचर है, तुम तो स्टार बन के रहोगी। मैं तो हर्ट ही हूँ ना कि आप चार साल तक गायब ही हो गए हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं जिंदा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ और मम्मी क्या कर रही हैं, तो आप इतने साल तक मुझे क्यों प्रॉमिस कर रहे थे, मतलब आप मैनिपुलेट कर रहे थे। वहीं अभी तक इस मामले में एक्टर और सांसद रवि किशन ने कोई बयान नहीं दिया है। खैर दोस्तों, रवि किशन पर लगे इन आरोपों को लेकर आपका पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी तमाम डिटेल्ड अपडेट से अवेयर रहने के लिए इंडिया डेली लाइव के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से यूं ही जुड़े रहें।